नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 28 मई। साथियों, इस समय की 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट आपको शिक्षा विभाग से संबंधित इस वीडियो में बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हर प्रकार की अपडेट के लिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते आज की महत्वपूर्ण खबरें शिक्षा विभाग से संबंधित है। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक समस्त जिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 6 वर्ष की आयु में यहाँ पर प्रवेश करने वाले छात्रों के प्रवेश की आयु में एक रूपता के संबंध में, जी हाँ, कक्षा प्रथम में प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। प्रयुक्त विषयांतर्गत और प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि आरटीई दिशा निर्देश 24-25 के अनुसार राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 में होने वाले प्रवेश हेतु 6 से 7 वर्ष आयु वर्ग के बालक ही पात्र होंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा प्रथम में प्रवेश हेतु राजकीय अथवा गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 में होने वाले समस्त प्रवेश इसी आयु वर्ग के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है प्राइमरी शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यहां पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक विषय में आप देख सकते हैं मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण योजना हेतु कक्षा 8-10 प्रवेशिका 12वीं यहां पर कला विज्ञान और वाणिज्य तथा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 22 और 23 के चयनित लाभार्थियों के परिणाम का सत्यापन बाबत महत्वपूर्ण अपडेट है। प्रोक्त विषयांतर के प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 21-22 और 22-23 के पात्र विद्यार्थियों के चयन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर तथा पंजीयक एवं शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से प्राप्त कक्षा 8-10 प्रवेशिका कला विज्ञान और वाणिज्य तथा वरिष्ठ उपाध्याय में यहाँ पर 2022 में समस्त जिलों से चयनित विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर तालिका अनुसार आप देख सकते हैं 21-22, 22-23 से संबंधित है। ये जिले वाइज विद्यार्थियों की संख्या टोटल लास्ट वाले कॉलम में आप देख सकते हैं वरिष्ठ उपाध्याय साइंस कॉमर्स आर्ट्स प्रवेशिका 10th और 8th, इस प्रकार से लिस्ट जारी हुई है। इनका जो सत्यापन होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में ये 22-23 का है। इन सभी आदेशों की पीडीएफ सूचनाएं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर इनके लिए अपडेट है, पत्र के साथ संलग्न चयनित चयन सूचियों में प्रदर्शन अंकों का विद्यार्थी की अंक तालिका से मिलान करके संलग्न प्रारंभ में इस कार्यालय की ईमेल जो है इस पर 7 दिवस के अंदर प्रेषित करना होगा। यह सत्यापन रिपोर्ट से संबंधित फॉर्मेट इस प्रकार का आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर, प्रदेश में 3560 अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूल बंद करने की अफवाहों पर लगा विराम। यहाँ पर सरकारी अंग्रेजी स्कूलों के 10,000 संविदा शिक्षकों के लिए बजट मिला, स्कूल भी जारी रहेंगे, बंद नहीं होंगे। बांसवाड़ा जिले से संबंधित अपडेट थी आज की। प्रदेश में संचालित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को बंद नहीं किए जाएंगे और जिन स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं कम है उन्हें सुधार कर संसाधनों का विस्तार भी किया जाएगा। आधिकारिक स्तर पर अभी कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हाल ही में जो शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों में इनको बंद नहीं किए जाने के संकेत छिपे हैं। आदेश में वित्त वर्ष 24-25 के लिए इन स्कूलों में संविदा पर जो 10,000 शिक्षक लगे हुए हैं उनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है और इसी राशि का उपयोग संविदा शिक्षकों के मानदेय या बकाया मानदेय भुगतान के लिए होगा। जैसा कि आपको विदित होगा साल 2022 में यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में संविदा पर अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती की थी। तो शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा था अंग्रेजी स्कूलों का करेंगे रिव्यू, अब मन बदला। 3 माह पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों को रिव्यू कर यहाँ पर बंद करेंगे, फिर बयान आया कि जल्दी इन स्कूलों का रिव्यू किया जाएगा और बंद हो गए।
और इसके एक माह बाद शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर इन स्कूलों से प्रस्ताव मांगने की जानकारी सामने आई, जहां संसाधनों की कमी थी। तो ये MGGS स्कूलों से संबंधित अपडेट। अगली खबर, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग से संबंधित यह आदेश। राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक यहाँ दिए हुए हैं। राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान संशोधन नियम 2008 के नियम 1920 के तहत यहाँ पर 6/10/2023 के अनुसरण में इस कार्यालय के अधीनस्थ कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों अथवा कार्मिकों द्वारा शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ऑनलाइन स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक अथवा कार्मिकों द्वारा कॉलम संख्या 9 में निरंतर इनकी संतोषजनक सेवा अवधि पूर्ण करने पर इनके ACP और MACP आदेश स्वीकृत हुए हैं। आप देख सकते हैं कोटा संभाग से संबंधित यह अपडेट है और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष अथवा संस्था प्रधान के लिए यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट यहां पर दी हुई है, एम्प्लॉय का नाम, पोस्ट, पोस्टिंग प्लेस, एप्लीकेशन आईडी, ACP अथवा MACP, सेंक्शन डेट, इस प्रकार से लिस्ट जारी हुई है। आप देख सकते हैं कितने कार्मिकों की लिस्ट है, आप वीडियो के स्क्रीन में देख पा रहे होंगे साथियों। यहाँ पर 41 टोटल कार्मिकों की लिस्ट, सॉरी 43 कार्मिकों की लिस्ट जारी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की इस समय की शिक्षा विभाग से संबंधित 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।